अब मान लो इस क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इजीली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है, और एक लड़की एंटर करती है, सब अलर्ट हो जाएंगे, तो बोलो ठीक। लेकिन जहां 20 लड़कियां बैठी होती हैं और एक लड़का एंटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों में आया होगा। वुमन इज अ पावर। जब ये दो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू बुद्धा बाय हिज कजिन, क्या नाम था उसका, आनंद। उसने कहा आप औरतों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं संघ में? उन्होंने कहा इसलिए बिकॉज वुमन इज अ पावर, यू कैन नॉट डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। ये तुमने हमेशा लड़कों को सुना होगा कहते हुए आई हैड 15 गर्लफ्रेंड्स, आई हैड 20 गर्लफ्रेंड्स। कभी किसी लड़की को सुना? ये लड़के, मेरी 20 गर्लफ्रेंड थी। 20 लोगों ने तुझे एक्सप्लॉइट किया, तुझे पता ही नहीं चला? तू इतना बड़ा गधा है, 20 लड़कियां तुझे यूज करके चली गई। यू विल नेवर फाइंड एनी वुमन सेइंग दिस, नेवर। दे विल ऑलवेज से कि नो नो नो, आई नेवर हैड एन अफेयर। यू नो व्हाई? वुमन इज ऑन सिविलाइजिंग मिशन, शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तुम कभी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई लड़का अकेला डोसा खा रहा है तो हाथ से खाएगा, और अगर लड़की के साथ बैठा है स्पून फॉर्क ये पूरा चाट के, जो डिसेंसी दिखाएगा रॉयल्टी। कभी कभी तो जाके बताना पड़ता है कि सर वो सही ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आरा नहीं चलाना है, ऐसे पकड़ना है। वुमन इज अ पावर। मेंसुरेशन के बाद दुनिया में आज तक कोई मेल ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने, जैसे नॉर्थ इंडिया में कहावत है, इंडिया में बड़ी घटिया कहावत, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना। कहावत है लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत है। लड़की हंसे लड़के को देखकर, जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। तुमने कभी किसी लड़की को सुना कि मैंने इस लड़के को फंसाया? नहीं, वो एक्सप्लॉइट करती ही है। ब्रिटिश ने कभी कहा आई एक्सप्लॉइटेड इंडिया? नेवर। दे सेड वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन। ये तो इंडियन चिल्लाते ना, लूट लिया लूट लिया, ये तो आदमी चिल्लाता है ना। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो 80+, उससे पूछो कि अंकल लव के बारे में क्या ख्याल है, भाड़ में जाए लव, क्योंकि उसकी सेंसेस कमजोर हो चुकी है। तमन्ना है, ताकत नहीं है। अब वो नया नया लड़का, ये 23 साल का 22 साल का, ये लड़का मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, ध्यान करने गया है, और बगल में पायल की आवाज आ गई, इसने एक आंख खोल के देख लिया, इसका ध्यान टूटा कि नहीं। इसलिए वुमन को पावर को इज्जत दिया। इसलिए मेंसुरेशन साइकिल के बाद औरतें बहुत चिड़चिड़ी हो जाती, उनका पावर खत्म हो जाता है। द पावर टू सबड्यू मेल इज इन मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन के बाद उनके अंदर लिविंग एग्स पैदा होते हैं, वो मेल स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज वाई वुमेन हैज ग्रेविटी। इसलिए हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत को शक्ति कहा। इसलिए औरतें बहुत टेंशन में नहीं होती कि आईएएस बनना है, मिनिस्टर बनना है, जानती बन जाओगे फंसा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। यू विल ऑलवेज फाइंड अ लेवल ऑफ एरोगेंस ऑन द फेस ऑफ अ वुमन, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, गेट आउट, उसको बड़ा बोला गया, अरे मुझे मना कर दिया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उसे खुश होती। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जिसकी जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। जैसे लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज अ कलर ऑफ हेल। इसलिए ये तुमने सुना है ना, शुद्धता की बात नहीं, ताकत की बात है। इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ मेल टू डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। हनी ट्रैप सुना? हना ट्रैप सुना कभी? हनी ट्रैप सुना है ना, लड़की भेज के ट्रैप कर लिया। हना ट्रैप, लड़का भेज के ट्रैप कर लिया, वो ट्रैप ही नहीं होती, उनको कौन ट्रैप करेगा?